हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है मेरा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो अक्सर हमारे सामने ये बात आती है ना कि भाई कि आज के टाइम पे मॉडर्न स्टूडेंट जो है हमारा कैसा हो, ठीक है। पेरेंट्स हैं, टीचर्स अक्सर अपने मोटिवेशन टॉक्स में ऐसा बोल देंगे कि भाई हमारे टाइम पे हम ये करते थे, हम ऐसे थे, हम दिन रात मेहनत करते थे, जी तोड़ मेहनत करते थे, पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क करते थे। तो शायद उनकी बातें सही भी हो, पर आज का कोर्स बदल गया है, सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है, तो हमें नए तरीके से चीज़ें सोचनी होगी। तो सबसे पहली जो खास बात है कि अक्सर उम्मीद की जाती है स्टूडेंट ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, बात को मानने वाला होना चाहिए, पर भैया आज के टाइम पे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ओबीडियंट हैं तो पक्का आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमें ओबीडियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए आज की डेट में, हमें वैलिडेटिंग स्टूडेंट चाहिए। जो स्टूडेंट के सामने जो बातें बोली जा रही हैं, टीचर जो बातें बोल रहा है, आपको वो चीज़ें समझनी है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लेनी है, समझनी है, उनको वैलिडेट करना है अपने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस में उसको लाके कि सामने वाला टीचर जो बात बोल रहा है वो किस हद तक आपको हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है। आपको एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक रेज करनी है अपने टीचर्स के साथ। ऐसे बचपन में बोलते थे हम, कुछ संस्कृत के श्लोक बोलते थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी ग्रह या त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो ये बोल दिया जाता था, ठीक है। तो जहां तक काक चेष्टा बको ध्यानम ये वाली बात है, आपको कबूतर बनने की जरूरत नहीं है, कौवा बनने की जरूरत नहीं है, स्वान बनने की जरूरत नहीं है, कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है। नेचर ने हमें बहुत सुपीरियर बनाया, आपकी कंसंट्रेशन ये सब कुछ बहुत एडवांस लेवल पे है, ठीक है। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं कि आप कहीं भी लैग करते हैं, बिकॉज आप एक मोटिवेशन के साथ एक जर्नी स्टार्ट करते हैं किसी चीज को सीखने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, तो डेफिनेटली आपका कमिटमेंट तो है ही, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली आप उसमें चल पाते हैं नहीं चल पाते, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ अपने आप को दोष ना दें, ठीक है। एक होलसम मैनर में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उन पर टाइमली काम करें, ठीक है। एक और चीज़ें बात बोलते थे कि अभिवादन शीलस्य नित्य वर्धो पसेविन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याशुलम, ठीक है। अभिवादन शीलस्य, मैं अपने टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने ये ब्लाइंड ट्रस्ट उन्होंने अर्न किया है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोकस दे थ्रो अपॉन मी, ओके, जितना वो मेरे पे वर्क करते हैं, जितना अपनी नॉलेज से मेरे को एम्पावर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं गया और आज से बस मेरे को टीचर के बस पैर छूने और ये रिस्पेक्ट देनी है, वो बहुत महान है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने ये अर्न किया, डेफिनेटली हम जब टीचर के पास जाते हैं डेफिनेटली हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, टीचर्स उस पर वर्क भी करता है, पर ओवर द पीरियड उस टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए। सो आपका ट्रस्ट, आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है, वो टीचर को अर्न करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्लास में जा रहे हैं, टीचर बोर्ड भरे जा रहा है और आप कॉपियां भरे जा रहे हैं आज की डेट में, तो टोटली आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो आपके पास है ना, जो सारी चीज़ें आपके पास हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों को बहुत मायने नहीं रह जाता कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मिल ही रही है, आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक, एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन आपके साथ जो साथ काम करें, ठीक है। तो गाइज आज के टाइम पे आप इतनी भारी भरकम इंस्टीट्यूट वगैरह में फीस भरने के बाद भी अगर सिर्फ नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, आपको एक क्लोज डिस्कशन का पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप होल आ रहा है। बिकॉज जो आपकी जो एजुकेशन है ना अभी, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। तो आज के टाइम पे स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंटिव होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीचर की बेइज्जती कर दो, पर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट डेवलप करना, एक लॉजिकल इन्फ्रेंस डेवलप करना, अपने क्वेश्चंस को और ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाना। आप कैसे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे? आप अच्छे आंसर, अच्छे इन्फॉर्मेशन तभी रिसीव कर पाएंगे जब आपके क्वेश्चन सबसे अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन सबसे अच्छे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पूरी हिम्मत के साथ अपने चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल देते हैं, मिल पा रहे सेटिस्फैक्ट्री, चेंज द टीचर, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको उस प्रोसेस में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, चेंज द प्रोसेस, ओके। इवन मेरे स्टूडेंट के केस में भी आई एम ओपन हार्टेडली से कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो दे द फीडबैक, अगर फिर भी उनकी चीज़ें रिजोल्व नहीं हो पाती तो दे शुड चेंज द टीचर, डेफिनेटली। बिकॉज आपके पास टीचर तो क्या, हर साल वो वही चीज़ उसको पढ़ानी है वापस। अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो भी मेरे को तो अपना अगले साल वैसे ही प्रोसेस करना है, लेकिन आपके पास ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आप अपनी 12th, अपनी 11th दोबारा नहीं करने वाले हो, आपके पास तो एक ही चांस है। आप अपना जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हो, आप चाहते हो कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आए, आपके पास लिमिटेड चांसेस हैं। आप जिंदगी भर नहीं देते रहेंगे, टीचर तो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहेगा, लेकिन आपको इसी साल सेलेक्ट होना है, आपको इसी साल मेहनत करनी है। तो इन चीज़ों का आप खास तौर पे ध्यान दें, ठीक है। अपना आर्ग्यूमेंट रेज करें, स्टूडेंट को ओबीडियंट बिल्कुल नहीं, आपको वैलिडेटिंग होना है, टीचर्स के सामने अपनी क्वेरीज रेज करनी है, क्वेश्चंस को पूछना है पूरी हिम्मत के साथ। ये आपका राइट है,
ठीक है, टीचर अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है तो इसमें कोई महानता नहीं है टीचर की, वो उसको देना है, वो उसका काम है, वो उसका प्रोफेशन है, और आपका राइट है क्वेश्चंस को पूछना। तो पूरे भिड़ जाओ, पूरी अपने मिशन के साथ, पूरे अपने गोल के साथ चिपक के काम करने के लिए जुट जाओ, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना सिचुएशन भी काफ़ी ईज आउट हो रही है। तो जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।